Hello friends, how are you? Today we'll be discussing about cell representation. Cell representation electrochemistry का part है, जो remaining part वही सब लोग देखेंगे. Cell representation काफी important topic है, सब लोग परेशान होते हैं cell representation करने में. अगर cell representation अगर अच्छे से आ जा रहा है, फिर तो आप numerical को आप अच्छे से proceed कर पाओगे, solve कर पाओगे. इसलिए सेल रिप्रेजेंटेशन काफी इंपॉर्टेंट होता है. अगर ये करने के लिए आ रहा है तो आपका ट्वेल्थ भी अच्छा हो जाएगा, फिर कंपटीशन में आपका यूज भी पड़ेगा, सब बहुत ज्यादा यूज है. अगर ये नहीं करने आएगा फिर आप परेशान हो जाएंगे, बहुत परेशानी होगा. देखेंगे, देखिए सेल रिप्रेजेंटेशन करते कैसे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो एनोड को हम लोग पहले लिखते हैं, मतलब एनोड पर जितना भी काम हो रहा है, एनोड पर जितना भी वर्किंग हो रहा है, एनोड पर हम लोग पहले लिखेंगे. बीच में इस तरीके का दिखाया जाएगा, इसको हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सॉल्ट ब्रिज. उसके बाद हम लोग क्या दिखाएंगे? कैथोड दिखाएंगे. क्या दिखाएंगे जी? कैथोड. तो एनोड पे होता क्या है, आप लोग को बता चुके थे. एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है. एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है. ये प्रेजेंट कहाँ रहता है? तो लेफ्ट साइड में. एक एसुम्पशन है कि आप लेफ्ट साइड में रखो. अब क्योंकि फिक्स नहीं है कि लेफ्ट में ही रखना है, आप राइट में भी रह सकते हैं, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा. बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं टेंशन लेना है कि ये लेफ्ट में रहेगा राइट में रहेगा, ये एक अजम्पशन है, रखा गया है. आप राइट में भी करेंगे कोई फॉर्मूला में चेंज नहीं आने वाला, फॉर्मूला चेंजिंग होगा, रिजल्ट सेम ही रहेगा. कैथोड पर क्या होता है आपको पता होगा, कैथोड पर होता है रिडक्शन होता है, सबको पता होगा. प्रेजेंट कहां रहता है? तो राइट साइड में प्रेजेंट रहता है ना. कैथोड जनरली राइट साइड में हम लोग लिखते हैं, ठीक है. अब देखिए ये हम लोग का एनोड का काम है, ये कैथोड का काम है. आप रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, इसको लिखेंगे कैसे? तो फर्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर फर्स्ट अगर लिखा जाए, एनोड में दो तीन कंपार्टमेंट होंगे, मतलब दो तीन कंपोनेंट होंगे, तो उसको कैसे कैसे अलग अलग लिखेंगे. तो एनोड को हम लोग हमेशा फर्स्ट ऑफ ऑल एनोड इज प्लेस्ड है ना बिफोर कैथोड है ना. इधर लिखेंगे कैथोड से पहले लिखेंगे, एनोड इज प्लेस्ड बिफोर कैथोड, कैथोड से पहले लिखेंगे. उसके बाद हम लोग का सेकंड पॉइंट है डबल लाइन, जो हम लोग का है ये डबल लाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं है ना, सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं. ये हम लोग का डबल लाइन जो दिख रहा है ना, तो सॉल्ट ब्रिज मतलब एनोड और कैथोड को अलग करने वाला है क्या जी? तो सॉल्ट ब्रिज है ना. अब देखिए नेक्स्ट हम लोग का थर्ड पॉइंट बोला जा रहा है कि अगर एनोड का दो तीन कंपोनेंट हो और डिफरेंट स्टेट में हो, मींस कोई लिक्विड स्टेट हो, कोई एक्वस स्टेट हो, कोई सॉलिड स्टेट हो, उस फॉर्म में कैसे हम लोग उस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे. तो कंपोनेंट आर डिफरेंट, कंपोनेंट्स आर डिफरेंट फेज है ना, डिफरेंट फेज आर रिप्रेजेंट बाय वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन इस तरीके से वर्टिकल लाइन. अगर सेम फेज में रहेगा तब कैसे लिखेंगे, मतलब इधर का अगर दो दो अलग अलग कंपोनेंट है, कंपोनेंट मतलब कैथोड पर ही हो रहा है, एनोड पर ही हो रहा है, लेकिन दोनों का फेज अलग है, डिफरेंट फेज, तब क्या करेंगे? अलग अलग लिखेंगे. पहले इसको समझ लीजिए, हम लोग एक एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर कर लेंगे. नेक्स्ट हम लोग का है क्या, थर्ड पॉइंट. हम लोग का फोर्थ पॉइंट में आते हैं, अगर कंपोनेंट सेम फेज में होगा तब क्या करेंगे, हम एक दूसरे को रिप्रेजेंट करने के लिए कॉमा सेलेक्ट करेंगे. सुनो देखो, कंपोनेंट आर डिफरेंट इन सेम फेज, ठीक है ना, कंपोनेंट आर डिफरेंट फेज, कंपोनेंट आर इन सेम फेज, आर इन सेम फेज, ठीक है ना, सेम फेज आर रिप्रेजेंट इन कॉमा है ना. कैसे हम लोग लिखेंगे? कॉमा से एक दूसरे को अलग करेंगे. जैसे यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, अगर मान लेते हैं Zn प्लस टू अगर एक्वस फॉर्मेट में हो तो हम लोग वर्टिकल लाइन से अलग कर देंगे Zn सॉलिड को. अगर मान लेते हैं सिंपल है Fe प्लस टू ये भी एक्वस है और Fe प्लस थ्री भी एक्वस है, तो क्या करेंगे? इस कॉमा से अलग करेंगे इस तरीके से, ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है,
तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसी को हम लोग सिंपल एक एग्जांपल से ज्यादा क्लियर करेंगे। देखिए एक रिएक्शंस लिखते हैं, उस रिएक्शंस में सेल को रिप्रेजेंट करने की आपको सिखाते हैं। छोटा सा पॉइंट है, कुछ टिपिकल नहीं है, आप लोग ध्यान देंगे तो काफी आसानी से सीख सकते। जैसे सिंपल एग्जाम्पल लिखते हैं, Zn plus of CuSO4, दिस गिव्स फॉर्मेशन, क्या करता है Zn(SO4) plus of Cu का फॉर्मेशन किया। आपसे पूछा जाता है कि किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, क्योंकि हम लोग को कैथोड और एनोड लिखते हैं तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो पता होना चाहिए ना, तभी लिख पाएंगे। इस पर चार्ज जीरो है, Cu पर चार्ज प्लस टू है, Zn पर चार्ज प्लस टू है, इस पर चार्ज जीरो है, तो Zn जीरो से प्लस टू पर चला गया, इसका क्या हुआ भाई ऑक्सीडेशन। क्या हुआ ऑक्सीडेशन, Cu प्लस टू से Cu पर चला गया, इसका क्या हुआ जी, तो ये हो गया रिडक्शन। मतलब Zn का ऑक्सीडेशन हुआ Cu प्लस टू से Cu पर, क्या हुआ रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन को ऑक्सीडेशन कहां पर लिखा जाता है, एनोड पे। तो सबको अलग अलग देखिए कैसे लिखते हैं, तो Zn से कहां पर चला गया था, Zn प्लस टू पे, ऑब्वियसली ये सॉलिड फॉर्मेट में रहा होगा, ये एक्वस फॉर्मेट रहा होगा, दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके, क्योंकि जब भी आप दिखाएंगे तो इलेक्ट्रॉन देखिए प्लस टू चार्ज माइनस टू चार्ज वैलेंस, इधर भी चार्ज जीरो हमेशा। इसको हम लोग बोलते हैं हाफ सेल ऑक्सीडेशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे हाफ सेल ऑक्सीडेशन बोलेंगे, ठीक है ना, हाफ सेल ऑक्सीडेशन बोलेंगे। अगर इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल भी लिखना रहेगा तो किस फॉर्मेट में लिखेंगे, इनॉट ऑफ Zn से Zn प्लस टू, इस फॉर्मेट में लिखेंगे। इस तरीके से अगर लिखने की कोशिश करेंगे ना तो आप अच्छे से सीख पाएंगे, समझिए बात को, ऐसा नहीं कि यहाँ पर लिखना जरूरी है, आपको सिखा दे रहे हैं। अब देखिए हम लोग का कॉपर Cu प्लस टू से Cu पर चला गया, तो आप दिखाइए इसको Cu प्लस टू से कहां पर चला गया, Cu पर चला गया, क्या बैलेंस है, नहीं, तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अटैच करना होगा, तो Cu प्लस टू को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cu पर चला गया। ये किस फॉर्मेट में था, एक्वस फॉर्मेट में, ये किस फॉर्मेट में है भाई, तो सॉलिड फॉर्मेट में दिखा दिया गया। इसको हम लोग बोलेंगे हाफ सेल रिडक्शन बोलेंगे, क्या बोलेंगे हाफ सेल रिडक्शन। अगर इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल दिखाना हो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में तो इनॉट ऑफ Cu प्लस टू से Cu, इस तरह का दिखाइए Cu प्लस टू से Cu, हो गया काम खत्म। अब हम लोग को क्या करना है, जब भी रिएक्शन को अगर कंप्लीट लिखना है तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन क्या जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखिए टू इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड में, टू इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड में कैंसिल हो गया, बचा कितना Zn सॉलिड प्लस ऑफ Cu प्लस टू एक्वस, दिस गिव्स क्या बचा भाई Zn प्लस टू एक्वस, है ना, Zn प्लस टू एक्वस प्लस ऑफ क्या लिखेंगे Cu सॉलिड। ये हम लोग का हो गया नेट सेल रिएक्शन, इसको हम लोग बोलेंगे नेट सेल रिएक्शन, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं नेट सेल रिएक्शन बोलते हैं, इसी को हम लोग स्पॉन्टेनियस रिएक्शन भी बोलते हैं। अब तो हम लोग सीख रहे थे सेल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, ये क्या लिख दिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, Zn से Zn प्लस टू पर चला गया, दो अलग अलग फेज में है तो पहले सॉल्ट ब्रिज आप दिखा दीजिए, Zn से सॉलिड से कहां पर चला गया भाई Zn प्लस टू पर चला गया, ये क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन का पार्ट दिखा दिया गया। उसके बाद क्या है Cu प्लस टू से Cu पर गया, रिडक्शन हुआ ना, आप दिखा दीजिए Cu प्लस टू हम लोग का ये किस फॉर्मेट में था, एक्वस फॉर्मेट में, से कहां चला गया Cu पर चला गया सॉलिड फॉर्मेट में, दिखा दिया गया काम खत्म, यही होगा सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया, सुना तो को सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब ये सेल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर इसको लिख सकते हैं हम लोग का क्या है एनोड का पार्ट है ना, ये लिख सकते हैं, लिख कौन सा पार्ट है कैथोड का पार्ट है, तब दिखा सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है भाई ऑक्सीडेशन हो रहा है, काम खत्म है, इतना ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है इस तरीके से। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग उसके बाद आता है एम ऑफ ऑफ द सेल, काफी इंपॉर्टेंट है, सेल रिप्रेजेंटेशन करने के बाद हम लोग देखेंगे एम ऑफ ऑफ द सेल। एम ऑफ ऑफ द सेल में देखिए काफी ज्यादा कंफ्यूज लोग बच्चे करते हैं, जिसे लगता है कि पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, इतना ज्यादा कंफ्यूजन है, तो बात को देखिए ये साइंस है, आप थोड़ा सा याद रखना, सोचिए रटने की कोशिश ना कीजिए, बुक में जो क्या करते हैं जो मन में आया जो बक दिए, मतलब बुक की कॉन्सेप्ट को रट लिए, रटना कोई सटीक मेथड नहीं है साइंस पढ़ने का, फर्स्ट ऑफ ऑल आप दिमाग में रखेंगे, आप रट के नहीं साइंस को सीख सकते हैं, इसलिए रटने की कोशिश मत कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट हम लोग का है क्या ईएमएफ ऑफ सेल, इसी को हम लोग ईएमएफ ऑफ द सेल को हम लोग बोलते हैं सेल पोटेंशियल बोलते हैं, क्या बोलते हैं सेल पोटेंशियल। निकालते कैसे सेल पोटेंशियल का मीनिंग क्या है, तो जो इलेक्ट्रोड होता है एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, दोनों के बीच में जो दोनों का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस जो होता है वही उसका सेल पोटेंशियल कहलाता है, क्या कहलाता है सेल पोटेंशियल, समझो। मतलब आपको सिंपल बात है, अगर ई सेल के बारे में बात करेगा,
ई सेल मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूरा सेल का, तो आपको पता होना चाहिए एक सेल ऐसा है, एक कंपार्टमेंट ऐसा है, इसमें होता है ऑक्सीडेशन, इसमें होता है रिडक्शन, लेफ्ट साइड में राइट साइड में, है ना। तो इस दिस प्लस ऑफ दिस का सम कर देंगे तो पूरा सेल होता है ना, क्योंकि हाफ सेल बनता है यहाँ पर, हाफ सेल ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिडक्शन अभी तुरंत लिखे थे, दोनों को मिला देंगे तो क्या करता है फुल सेल बनता है। तो हाफ सेल मगर मान लेते हैं फुल सेल लिखना है, तो ई सेल मतलब सेल पोटेंशियल अगर लिखना है तो क्या कर देंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख देंगे प्लस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल लिख देंगे, खत्म बात हो गया। उतना टेंशन नहीं, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना रिडक्शन पोटेंशियल दोनों को सम कर देंगे, ई सेल का वैल्यू निकल के आ जाएगा। क्योंकि ई सेल में हो क्या रहा है, सेल में हो क्या, ये दोनों मिलके तो सेल बन रहा है ना, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिख दो ना भाई, वही सेल निकल के आ जाएगा। अब यहां पर ये फॉर्मूला देखे सब लोग चक्कर खा जाते हैं, चक्कर नहीं खाना, समझिए बात को, टेम्परेचर हाई नहीं करना है, समझिए। यहां पर हम लोग आप लोग को बताए थे, कि कोई भी अगर एलिमेंट हो, एलिमेंट है, एलिमेंट ए है, और इसका अगर मानते हैं इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ए से ए प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है, मान लेते हैं कि कोई एक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, तो आप इसी का रिडक्शन पोटेंशियल भी लिख सकते हैं, ए प्लस थ्री से ए पर का वैल्यू है कितना हो जाएगा, माइनस एक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल के आ जाएगा। ये तो आप फॉर्मूला पता है ना, ये इक्वेशन पता है, तो आप आराम से कर सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन होता क्या, एसेंशियली कहां पर होता है बता सकते हैं, ओपी कहां पर होता है भाई, तो लेफ्ट साइड में होता है, लेफ्ट साइड में कहां होता है जी, लेफ्ट साइड में कहां पर होता है, तो कैथोड पर होता है, दिखा दिया गया। प्लस अब आरपी लिखेगा ना, आरपी कहां पर होता है, एनोड पर होता है, जो कि कहां पर होता है, राइट साइड में होता है, दिखा दिया गया ना, लेफ्ट हम लोग का राइट में चल गए। अब देखिए ये जो पोजीशन को चेंज नहीं करना है, आप इस चीज को चेंज कर सकते हैं, किसी सेम एलिमेंट का अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जस्ट माइनस करते हैं ना भाई, तो इसी को थोड़ा सा और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं ओपी अगर लिखा हुआ है, ओपी अगर लेफ्ट ही लिखा हुआ है, यहाँ पर कैथोड का ही लिखा हुआ है, यहीं पर लिखते हैं कैथोड का ही लिख रहे हैं हम लोग, कैथोड का ही लिख रहे हैं, ये आरपी लिखा हुआ है, हम लोग एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, तो आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख दीजिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस ऑफ माइनस ऑफ क्या लिख सकते हैं, ओपी नहीं लिख सकते क्या, किसका तो एनोड का, एनोड कहाँ प्रेजेंट है भाई, तो राइट में प्रेजेंट है। अब देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस नहीं हो जाएगा क्या, यही लिखा रहता है, कोई टेंशन नहीं है, ओपी ऑफ लेफ्ट माइनस ऑफ क्या होगा, ओपी ऑफ राइट, जो कि आप लोग याद करते हैं। अब किसी का मन रहेगा नहीं इसी को चेंज कर दो, ठीक है इसी को चेंज कर दो, तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ आरपी लिख सकते हैं ना, माइनस आरपी ऑफ लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, जो कि हम लोग का किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कैथोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, लिख दिया गया। प्लस ऑफ क्या लिखेंगे, आरपी ऑफ क्या लिखेंगे बता सकते हैं, एनोड लिखेंगे नहीं लिखेंगे, क्योंकि कहां प्रेजेंट है, राइट साइड में प्रेजेंट है, तो इसी को आगे प्रोसीड कर दीजिए। इसी को आप लोग को लिखा क्या रहता है, आरपी ऑफ, देखिए इसको आप इधर भेज दीजिए, ठीक है ना, आरपी ऑफ क्या लिखेंगे, एनोड हो गया, एनोड जो कि कहां प्रेजेंट है भाई, तो राइट साइड में प्रेजेंट है, माइनस ऑफ क्या होगा बता सकते हैं, आरपी ऑफ क्या लिखेंगे लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, जो कि क्या कहां प्रेजेंट है, जो कि कैथोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वही लिखे आरपी ऑफ एनोड माइनस ऑफ आरपी ऑफ कैथोड, जो कि आप लोग रखते हैं। तो यही फॉर्मूला से तो बन गया रहा है, एक ही फॉर्मूला तो याद करना है। ये देखिए हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखे जनरल कंडीशंस में, अब सिंपल जनरल कंडीशंस में इस तरह का ये सब तीनों फॉर्मूला है, कोई भी आप इसी को याद रखिए, उसी पर उसको यूज करेंगे, यूज करके बताते हैं कैसे करना है, ठीक है। अब इसी फॉर्मूला में आप देखिए हम लोग का ये स्टैंडर्ड केस में ले सकते हैं, अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर स्टैंडर्ड केस में दिया हो, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड केस लिए थे, यहाँ पर स्टैंडर्ड केस में दिया हो तो क्या दिक्कत है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड सेल में यहाँ पर क्या करेंगे, एस लगा देंगे, यहाँ पर क्या करेंगे एसआरपी, मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, काम कहते हैं वही हम लोग आगे फिर प्रोसीड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को देखिए सिंपल, हम लोग का अगर ई नॉट सेल का वैल्यू पूछ रहा है तो क्या करेंगे, बता सकते हैं एसओपी दिया हुआ है भाई, तो एसओपी किसका दिया हुआ है, एसओपी लेफ्ट साइड का है ना, लेफ्ट साइड मतलब किसका दिया हुआ है भाई, तो एनोड का, इसको लिख देंगे, सुनो तो इस तरीके से, प्लस अब क्या हो जाएगा एसआरपी, है ना, एसआरपी जो कि क्या लिखा हुआ है, कैथोड का लिखा हुआ है, जो कि कैथोड का लिखा हुआ है, जो कि कैथोड का है, जो कि कहां प्रेजेंट है बता सकते हैं, राइट साइड में प्रेजेंट है, राइट साइड में प्रेजेंट है, लिख सकते हैं। अब देखिए हम लोग का एसओपी हम लोग का दिया हुआ, इसी में हम लोग माइनस नहीं कर सकते क्या, माइनस ऑफ एसआरपी कर सकते हैं, चेंज नहीं कीजिए इलेक्ट्रोड को, चेंज नहीं कीजिए, ये लेफ्ट को लेफ्ट ही रहने दीजिए, एनोड को एनोड ही रहने दीजिए, मतलब जो मेटल है उसी का रहने दीजिए, यहाँ पर एसआरपी लिख देते हैं। प्लस ऑफ क्या लिखेंगे, एसआरपी ऑफ क्या लिख सकते हैं, एसआरपी ऑफ क्या लिख सकते हैं, कैथोड का लिख सकते हैं ना, एसआरपी ऑफ कैथोड का, जो कि कहां प्रेजेंट है, तो राइट साइड में प्रेजेंट है, ये भी फॉर्मूला है, इसको आप इधर कर देंगे, एसआरपी ऑफ कैथोड मतलब राइट माइनस ऑफ जो लेफ्ट का पढ़ते हैं। सिमिलरली अगर इसको आप निगेटिव कर दीजिए, इसको आप निगेटिव कर दीजिए, मतलब एसओपी एसओपी ऑफ एनोड एनोडी रहने दीजिए, एनोडी पर रहने दीजिए, जो प्रेजेंट कहां है, लेफ्ट में प्रेजेंट है ना, लेफ्ट में प्रेजेंट है, प्लस ऑफ यहाँ पर क्या करते हैं, माइनस ऑफ क्या लिखेंगे, एसओपी एसओपी, क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल अगर स्टैंडर्ड केस में है
तो उसी का ऑब्जॉर्प्शन पोटेंशियल में माइनस लगा देंगे, ये वैल्यू दोनों वैल्यू सेम आता है, क्योंकि हम लोग बता दिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा क्योंकि कहाँ प्रेजेंट है, राइट साइड प्रेजेंट है, ये पोजिशन को चेंज नहीं करना, दिमाग में रखेंगे ये पर देखिए माइनस नहीं हो जाएगा क्या, माइनस हो गया। तो इस तरीके से हम लोग फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं। अब देखिए इसी का यूज देखिए आपको करके दिखाते हैं, सब लोग को लग रहा होगा कि ये गलत है, देखिए समझिए यूज करके दिखाते हैं, एक क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर होगा सिंपल फॉर्मेट में, आप कहीं भी लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। जैसे सिंपल है, एक क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन क्या है, ए से ए प्लस थ्री पर गैस, तो बीच में सॉल्ट भी हम लोग का सॉलिड फॉर्मेट है, एक्वस फॉर्मेट में है, और क्या है बी से हम लोग का बी प्लस टू से बी पर गया, बी प्लस टू पर से बी पर गया, हम लोग का ये एक्वस फॉर्मेट में, हम लोग का सॉलिड फॉर्मेट में है। आप लोग को इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ, इनॉट ऑफ ए से ए प्लस थ्री का वैल्यू जो दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ 0.6 वोल्ट दिया हुआ है, 0.6 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है, और इनॉट ऑफ बी से बी प्लस टू का वैल्यू जो दिया हुआ है 0.4 वोल्ट दिया हुआ है। हम लोग से पूछ रहा है इनॉट सेल का वैल्यू पूछ रहा है भाई, तो देखिए समझिए यहाँ पर इनॉट सेल जब दिया हुआ है, जब स्टैंडर्ड केस में, यहाँ पर भी स्टैंडर्ड केस में दिया हुआ है, तो आप आराम से ओपी प्लस आप आरपी कर सकते हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देखिए क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लिख ही देते हैं, इनॉट सेल का वैल्यू पूछ रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल, सुनने देखो उसके बाद क्या बोल रहा है, सेल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंट सेल, ऐसे लिखेंगे रिप्रेजेंट सेल। बी नंबर में क्या बोल रहा है, नेट सेल रिएक्शन, है ना, नेट सेल रिएक्शन, ठीक है ना, नेट सेल रिएक्शन। और थर्ड नंबर में हम लोग का सी नंबर में क्या है, इनॉट सेल इक्वल टू व्हाट, या सेल पोटेंशियल, या इनॉट सेल इक्वल टू व्हाट, इनॉट सेल इक्वल टू व्हाट, कैसे निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम लोग का ए से ए प्लस थ्री पर गया है, बी प्लस टू से बी पर गया है, हम लोग का ये रिएक्शन से हम लोग का क्या दिया हुआ है, सेल रिप्रेजेंटेशन ही दिया हुआ है, सेल तो रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो हम लोग को यही पर लोग का सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया। नेट सेल रिएक्शन लिखना है, इसी को हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन भी पूछ सकता है, ये रिडॉक्स रिएक्शन भी पूछ सकता है, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन क्योंकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों साथ में होता है। तो ए से ए प्लस थ्री पर गया, समझ लिखना शक्ति दी, ए से ए प्लस थ्री पर गया लिख सकते हैं हम लोग का, ये सॉलिड फॉर्मेट में है, ये किस फॉर्मेट में, एक्वस फॉर्मेट में, तीन इलेक्ट्रॉन रिलीज करके, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बता सकते हैं, हाफ सेल ऑक्सीडेशन बोलेंगे। अगर इसका हम लोग का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू लिखना है, तो इनॉट ऑफ क्या लिखेंगे, ए से ए प्लस थ्री, वैल्यू कितना दिया हुआ है, एकदम सटीक वैल्यू दिया हुआ है, 0.6 वोल्ट दिया हुआ है ना। उसके बाद क्या है, देखिए बी प्लस टू से बी पर गया है, आप इसको देखकर नहीं लिखेंगे, आप इसको देख के लिखेंगे, ठीक है ना। बी प्लस टू हम लोग का एक्वस फॉर्मेट में था, दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होगा तभी तो बी पर गया होगा, आदमी यहां पर भी लिख सकते कोई दिक्कत नहीं, जीरो चार्ज है, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तभी तो न्यूट्रल होगा, ये सॉलिड फॉर्मेट में है ना। अब इसी को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हाफ सेल क्या लिख सकते हैं, रिडक्शन लिख सकते हैं ना जी, हाफ से रिडक्शन लिख सकते हैं। अब देखिए इसी को हम लोग अगर लिखना चाहेंगे तो हाफ से इनॉट ऑफ बी प्लस टू से बी पर गया है, बी प्लस टू से बी पर गया है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है बी से बी प्लस टू पर गया है, जबकि यहाँ पर लोग को वैल्यू क्या चाहिए, बी प्लस टू से बी पर गया, मतलब अपोजिट वैल्यू है ना, तो क्या करना होगा, इसे माइनस लगाना होगा, माइनस क्या लिखेंगे, 0.4 वोल्ट लिखेंगे। अब दोनों का सम कर लीजिए, सम ऐसा नहीं हो सकता, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो हमेशा कैंसिल करना होगा, यहाँ पर थ्री करना होगा, यहाँ पर टू करना होगा। अब देखिए टेंशन क्या हो रहा है कि क्या अगर थ्री से मल्टीप्लाइड कर रहे हैं तो इसे भी थ्री से मल्टीप्लाइड करना होगा क्या, नहीं, बिकॉज ये एक हम लोग का कॉन्सेप्ट प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, डू नॉट डिपेंड ऑन द मास, ये जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, मतलब मोल से रिलेटेड है, मोल हम लोग का मास से रिलेटेड होता है, इसलिए हम लोग इसे मल्टीप्लीकेशन नहीं करेंगे, बिकॉज एक ग्राम रहे, थ्री ग्राम रहे, फोर ग्राम, कितना भी मास क्यों ना रहे, ये पोटेंशियल चेंज नहीं करेगा इसका, जो पोटेंशियल फिक्स है फिक्स रहेगा। सिक्स इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में सिक्स इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, तो नेट सेल रिएक्शन देखने की बात करेंगे तो हम लोग का देखिए कितना हो गया, टू पार्ट ऑफ ए हो गया सॉलिड में हो गया, प्लस क्या लिखेंगे, थ्री पार्ट ऑफ बी प्लस टू एक्वस फॉर्मेट में हो गया है ना, एक्वस फॉर्मेट हो गया, डिस्क्रिप्स हम लोग क्या लिख सकते हैं बता सकते हैं, टू पार्ट ऑफ ए प्लस थ्री हम लोग का एक्वस फॉर्मेट में, प्लस ऑफ क्या हो गया बता सकते हैं, थ्री पार्ट ऑफ बी हो गया, थ्री पार्ट ऑफ बी हम लोग का सॉलिड फॉर्मेट में हो गया है ना। अब देखिए ये हम लोग का ए प्लस नेट सेल रिएक्शन हम लोग का ये बी नंबर पार्ट हो गया। अब आपसे ये भी पूछ रहा है इनॉट सेल का वैल्यू पूछ रहा है ना, इनॉट सेल का वैल्यू पूछा था, क्या बोले थे, एसओपी प्लस अब क्या लिखिए भाई, एसआरपी लिख दीजिए, एसआरपी लिख दीजिए, ये लेफ्ट साइड का है राइट साइड का, यही तो लेफ्ट साइड में होता है ऑक्सीडेशन होता है, एसओपी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.6 दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन ही हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, कितना है बता सकते हैं, माइनस ऑफ 0.4 वोल्ट, कितना निकल के आ रहा बता सकते हैं, 0.2 वोल्ट हम लोग का आंसर निकल के आ गया। तो हम लोग का सेकंड का भी हम लोग का काम हो गया, क्योंकि इनॉट सेल का वैल्यू हम लोग से पूछ रखा था। तो इस तरीका से आप लोग बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बना सकते, काफी आसान है ठीक है। तो इस तरीका से आप यूज करेंगे, आप इसी आपको लग रहा होगा कि आप तो यहाँ पर डाटा जो सटीक दे दिए तब निकल के आ रहा है, आप कहीं भी लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं क्वेश्चन पे लगाएंगे कहीं दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये आपका जो याद करना नहीं होगा, मतलब यहाँ पर एसओपी प्लस एसआरपी
देखिए दिमाग कैसे लगेगा, लगेगा क्या कि अच्छा दो सेल है मतलब एक सेल है, एक सेल बनता है हाफ हाफ सेल से बनता है, मतलब दोनों का पोटेंशियल ऐड कर देंगे काम खत्म हो जाएगा, दोनों का पोटेंशियल ऐड किया काम खत्म हो जाएगा, इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, नेक्स्ट अगेन।